वेल गाइस, तो फाइनली TNA रेसलिंग का इमरजेंस पेपर व्यू ओवर हो चुका है और आज यहां पर TNA के इमरजेंस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर TNA रेसलिंग के ऊपर एक बड़ा रिटर्न देखने को मिला। गाइस यहां पर आज TNA रेसलिंग के इमरजेंस पेपर व्यू के ऊपर TNA रेसलिंग का डिजिटल मीडिया चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहाँ पर PCO आज उनका टाइटल इंडियन सुपरस्टार महाबली सेरा के खिलाफ डिफेंड करते गए और लंबे टाइम तक TNA रेसलिंग से गायब रहने के बाद आज यहां पर TNA रेसलिंग के इमरजेंस पेपर व्यू के ऊपर महाबली सेरा हमें सुपर एक्शन में देखने को मिली, जो यहां पर PCO को टाइटल के लिए चैलेंज करते गए और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद PCO आज यहां पर उनके फिनिशर के साथ मैच को जीतकर टाइटल रिटेन करते गए। तो वहीं TNA के इमरजेंस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर शो के ऊपर TNA का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर निक नेमिथ उनका टाइटल जॉस अलेक्जेंडर के खिलाफ डिफेंड करते गए और जॉस अलेक्जेंडर और निक नेमिथ के इस मैच के अंदर हमें यहां पर काफी सॉलिड स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग देखने को मिलती है, जहां पर इस मैच में जॉस अलेक्जेंडर के पावर एडवांटेज की वजह से आज वो इस मैच को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे होते गए। बट गाइज, इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर निक नेमिथ के जिग जैग के साथ वो इस मैच को जीतकर उनके टाइटल को रिटेन कर लेते गए, जहां पर निक नेमिथ के टाइटल को रिटेन करते ही सडनली अरीना के अंदर WWE हॉल ऑफ फेमर JBL का म्यूजिक प्ले होता है और पहली बार TNA रेसलिंग के अंदर आज यहां पर JBL उनका डेब्यू करते गए, जो रिंग के अंदर आकर निक नेमिथ को कांग्रेचुलेट करते गए और वो यहां पर निक नेमिथ के कान में कुछ बोलते हुए अरीना से वॉकआउट कर जाते गए। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि JBL अब यहां पर आगे TNA रेसलिंग के अंदर फ्यूचर में फिर कभी अपीयर होते हैं या नहीं।